जाता रहता हूँ। गायों की इतनी अच्छी व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात है जो गाय की सबसे बेस्ट कीमती चीज है गोमय, जिसको हम संस्कृत में गोमय कहते हैं, ये हिंदी में गोबर कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान केवल हम उसी का कर रहे हैं। हम गोबर का जो नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं अपने देश का। आप जो यदि आपको वैदिक उसका वो होगा तो आपको मालूम है कि लक्ष्मी जी गाय जी जी के गोबर में विराजित करती हैं। जी बिल्कुल सही बात है महाराज जी, उसके अंदर कण भी होते हैं। मैं इतने आधुनिक जीवन में, मेरा बेटा फौज में है, था, अभी रिटायर होकर आ गया। मेरी बहू आपके डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर है, बावजूद मेरी कुटिया आज भी मैं गोबर से ही लीपता हूँ। गोबर के अंदर परमाणु को समाप्त करने की भी ताकत है। मेरा बहुत बड़ा अध्ययन है प्रभु इस मामले में, गौ के मामले में, और मैं आपको और परिचय दे तो दूँ। मैं आपको ये बताऊं कि ये सब चीजें आदमी करे, अपने एफर्ट से करे, इसकी बजाय जो है एक कानून के तहत एक व्यवस्था हो हाँ ये जिसमें बात हजारों और लाखों गायें होंगी जी और जी वो छोटी छोटी गौशालाएं में बटी होंगी और गौशालाएं आपस में जुड़ी होंगी कॉरिडोर जी बिल्कुल सही बात के माध्यम से, उनके जी महाराज जी बिल्कुल उसके दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर जो है चार तरीके के पेड़ होंगे, औषधियों के पेड़ होंगे, फलों के पेड़ होंगे, जी सब्जियों की तो खैर क्यारियां होंगी, लेकिन हाँ जो है अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। इसके लिए अपन मुख्यमंत्री से चर्चा करें प्रभु, एक आध दिन आप थोड़ा समय निकालें, मैं भोपाल आ मुझे जाता हूँ। लगता है कि मुख्यमंत्री से यदि अपन चर्चा करेंगे कमजोर तरीके से तो ये मुख्यमंत्री कोई हमारी बात नहीं सुनेंगे, और जी सुनेंगे भी तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं। तो नहीं तो आप बताएं, उस तरह की ताकत अपन उत्पन्न करते हैं ना भगवान, आप जैसा बताएं हम आपके आदेश का पालन करें। इसमें जो आपको ऐप से आप जुड़े हैं जी उसमें जी वो ताकत है, इसको हमने सत्यनारायण की कथा कहा है। हम सत्यनारायण की कथा का जो है हर हमारे हर हर लिंक में, हर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, जो आपने चैनल सब्सक्राइब किया है क्राइम फ्री भारत, जी 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 आप YouTube पर जाके क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करिए जी जी YouTube पर, ठीक जी महाराज है जी ना। और इसके बाद आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया है, ठीक जी बिल्कुल है ना। तो इसमें सत्यनारायण कथा के उसमें चार अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? चार चार अध्याय जी अध्याय। तो पहला अध्याय कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और जी प्रतिदिन एक वीडियो देखना जरूरी है संकल्प के तहत, जी जी और यदि कोई वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक आता है तो जी उसे डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको बार बार खोजना ना पड़े और जी उसे अपने लोगों के साथ बैठ के आप सुन सकें। जी महाराज जी ये है नए युग की सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय, ठीक है बिल्कुल ना, सरल है। अभी तक बिल्कुल आपने YouTube को, आपको गीतांजलि जी ने कहा नहीं होगा इसलिए उन्होंने आपने नहीं किया है, हाँ लेकिन सबसे सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय कह रहा है कि हाँ आप जो है क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जी ठीक है। अभी ये पहला काम है। करते हैं अभी करते अच्छा, दूसरा काम है जो आपने ऑलरेडी कर लिया है कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की, जो जी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपने सत्यनारायण कथा के दो अध्याय पूरे कर लिए, एक है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जी और दूसरा जो है ऐप को डाउनलोड करना। जी अब इस ऐप को खोलेंगे आप, खोलिए आप, आपने चूंकि ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो ऐप को खोलिए आप। एक ऑटो मैप है क्राइम फ्री भारत मिशन का, जी इसे आप खोलिए। ये चालू फोन में मुझे खोलना नहीं आता ना भगवान, मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ, जरा बाबा हूँ। अच्छा, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके जी बाद आप देखिए, हम आपको समझाना चाह रहे थे इसलिए हमने कहा कि खोलिए। वैसे जी इसको स्पीकर पे आप ले लेंगे तो हाँ अच्छा रहेगा, जैसे हमारी हर वार्तालाप जो है वो रिकॉर्ड होती है। अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं ना, ये जी भी रिकॉर्ड हो रही है और हाँ ये उसी YouTube चैनल पे पब्लिश भी होगी। तो अच्छा 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 इस ठीक वार्तालाप को आप जो है अपने सुन चेलों सकते को, अपने लोगों को, जिन लोगों से आप इतने संगठनों से जुड़े हैं, गौ माताओं से जुड़े हुए हैं, जी जी उनको भेजिए और उनको जोड़िए। जी बिल्कुल बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी बिल्कुल है ना। अच्छा, तीसरा अध्याय इसका कह रहा है कि ऐप को खोलिए, ऐप जी के नीचे दाहिनी ओर एक प्रोफाइल है आपकी, राइट।
उस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगी और सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा। क्या देखेगा? देख लिया महाराज जी, देख लिया आइडेंटिटी कार्ड, राइट। उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे जो है आपको शेयर ऑन व्हाट्सएप है, ठीक है ना जी? बिल्कुल है। तो आप एक उसको क्लिक करेंगे तो आपका एक मैसेज ऐप खुद बना देता है और आपकी लिंक बना देता है, राइट। तो जैसे आप गीतांजलि जी की उससे जुड़े हुए हैं तो ऐसा जो है उसमें गीतांजलि जी का नाम आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात, समझ गए ना? जैसे आप मेरी लिंक से जुड़े हैं तो मेरा नाम आएगा। तो आपको सभी को भेज देना है और उसके नीचे यदि आप दो चार लाइन लिखेंगे तो वो मैसेज थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। तो मैसेज में ऊपर लिखा है कि क्राइम फ्री भारत ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, आप इसे जुड़ जाइए। उसके नीचे लिंक है जो जुड़ेगा उसमें आपको उसका नाम, आपका नाम आएगा और आपको 100 नंबर मिलेंगे। और 100 नंबर महत्वपूर्ण है जी। इसी के आधार पर आगे चल के आप चंद्रगुप्त बनेंगे। व्यवस्था है इसमें जी। और इसमें कह रहा है कि अच्छा इसकी हम आगे आगे अपने आपको आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको इसे जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जितने भी संगठन आपसे जुड़े हुए हैं, उनको वो मैसेज भेजना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो जुड़े, ठीक है ना? तो उसमें अपना दो चार लाइन अपनी तरफ से जोड़कर और नीचे अपना नाम लिख के और यदि अपना मोबाइल नंबर आप लिखेंगे जी तो लोगों पे को ज्यादा भरोसा होगा। होगा जी बिल्कुल, बिल्कुल। होगा जी बिल्कुल सही बात है ना? क्योंकि नहीं तो आदमी आजकल इतनी सारी चीजें लगती है उसको लगता है जुनून है कि नहीं है। तो आपका मोबाइल नंबर होगा तो आपके चेले आपसे बात भी कर पाएंगे। जी जी है कि नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा इसके बाद जो है आपको पांच, जैसे आप उसको मैसेज करेंगे मतलब जो लिंक करेंगे तो व्हाट्सएप में आप एक बार में 5 ग्रुप में भेज सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको उसको पीछे जाना पड़ेगा और फिर दोबारा जो है उसको क्लिक करना पड़ेगा जिससे कि जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हैं उन सब तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल, ठीक है ना जी बिल्कुल। ये सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय हो गया। सरल है या सरल है? नहीं बिल्कुल सरल है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय हिंदू संगठन में मेरे 3.5 लाख फॉलोअर्स थे प्रभु, लेकिन उन लोगों की बेईमानी और उन लोगों की चंदाखोरी के कारण फिर मैंने उस संगठन को छोड़ दिया। मेरी इसी प्रकोष्ठ का आप जो है उस सब चीजों को जुड़े रखिए क्योंकि आपको संगठन से लेना देना नहीं होना चाहिए। संगठन में जो लोग जुड़े थे आपके कारण उनसे तो लेना देना होना चाहिए ना? उनसे तो है मेरा, उनसे रोज मेरी बात होती। मैं कम से कम नहीं तो गौ सेवा से जुड़े कई सैकड़ों संगठनों से जुड़ा हूँ और सबसे मैं बात भी करता हूँ कि मेरे को गाय के अलावा और ये फोन में लोगों को राय देने के अलावा गौ माता के अलावा मैं दूसरा में कोई काम करता नहीं और केवल यात्राएं करता हूँ, गौशालाओं को देखता हूँ, उनमें कमियां होती उनको उजागर करता हूँ, शासन को लिखता हूँ। बस यही केवल गौ के अलावा मेरे को दूसरा कोई भगवान से ही मतलब नहीं है। सारे देवता उसमें निवास करते हैं तो मैं काय के लिए उधर भटकू? भगवान मैंने एक ही अपना आराध्य बना रखी मेरी गौ माता, बस। बहुत सही बात, बहुत सही काम आपने किया है। ये जो इस जो हम बता रहे हैं इसमें गौशालाएं बदल जाएंगी, गौशालाओं में पूरी पूरा देश मिला होगा और आपकी खेती जैविक हो जाएगी। जो आप गोबर की बात कर रहे हैं जी जी वो हम चाहते हैं। अभी देखिए हम हानिकारक केमिकल फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, उसे ब्लैक में खरीद रहे हैं, सरकार पे दबाव बन रहा है, सरकार फास्फोरस को इम्पोर्ट कर रही है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मगर जहर खरीदने के लिए भी इतनी परेशानी उठा रहा है आदमी जबकि अमृत को फेंक रहा। अमृत पैदा ही नहीं हो रहा है, अमृत आपने उतनी गाय ही नहीं है। गायों को तो हमें 10 गुने से भी ज्यादा करना है। हाँ करना है महाराज जी, हर हर गांव गोकुल गांव हो हमारी, यह सपना है महाराज जी, हर गांव गोकुल गांव हो। गौशालाओं में मेरा विश्वास ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कहना है कि वो अलग तरीके से होगा। देखिए नए युग की चीजें अलग तरीके से होंगी जी बिल्कुल। नए युग में जो है चीजें पुराने तरीके से नहीं की जाएंगी। लोगों को जिनको अपने गाय का दर्शन करना होगा वो अपने अपने कमरे में नहीं जाएंगे, उन्हें चल के गौशाला तक जाना पड़ेगा और वो गौशाला हजारों एकड़ों में फैली होगी
जी बिल्कुल पर कि गायों की मसाजिंग होगी, गायों को नहलाना धुलाना होगा, गायों को सजाया जाएगा जी और बिल्कुल हर दिन गायों की जो है पूजा होगी, जी बिल्कुल राइट। ठीक तो ठीक इसमें हम आपको, आप मुझे जो है, मैं आपको खोज के जो है वो सब चीजें भेजता हूँ, ठीक है ना। जी भैया, अब इसका चौथा जो अध्याय है वो कह रहा है कि आपको 10 लोगों के नाम बनाना है, मतलब सूची बनाना है, जी, जो आपके परिवार के हों, रिश्तेदार हों, मित्र हों, पड़ोसी हों, संगठनों से जुड़े हुए हों। जैसे आपका परिवार तो अब गौशाला वाला परिवार हो गया है, राइट। तो उनसे जुड़े 10-10 लोगों की आपको 9 दिन की सूची बनाना है जिन्हें अच्छा भारत चाहिए। अभी हम दुष्टों को अच्छा भारत नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, हम लोग दुष्ट हैं, हम जो भी बात करते हैं वो अपने लाभ के लिए करते हैं, क्योंकि आत्मा वहाँ नहीं है। सही बात, ये बात आप मानते हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है महाराज जी। बिना स्वार्थ के नहीं कर रहा आदमी, बहुत स्वार्थी हो गया, मतलब नैतिक पतन हो गया, नैतिक पतन इतना हो गया कि नैतिक पर रही। लेकिन यदि हम उसके सभी स्वार्थों का पूर्त कर दें और सबका भला हो जाए, ऐसा सदयोग ले आए, ये संभव है। ये जो हम आपको सत्यनारायण की कथा बता रहे हैं, देखिए आप जो 10 लोगों को प्रतिदिन उनको सूची बना के उनको फोन करना है, संकल्पित करना है, शपथकृत करना है, यही ऐप डाउनलोड करना है, तो 4 कार्रवाई रिपीट करना है। मैं फिर से कहता हूँ, नंबर 1 क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, शपथ के साथ 1 वीडियो प्रतिदिन देखना है, जो वीडियो आत्मा के नजदीक हो उसे डाउनलोड करना है जिससे बाद में उसे आप देख पाए, ठीक है ना। नंबर 2 क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, जो हमारे हर मैसेज में लिंक दी गई है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचने का तरीका होता है कि टाइटल के नीचे ध्यान से देखेंगे तो उसमें मोर लिखा होता है, MEMORE मोर। उस मोर को क्लिक करेंगे तो आपको नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखेंगे तो फिर से मोर लिखा होता है, MORE। तो यदि उसको क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा मैसेज तरीका सब बताया गया है उसमें, और उसी में लिंक दी गई है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की। जी बिल्कुल राइट, ठीक। तो उसको डाउनलोड कर लिया आपने, तो ऐसे आपने कर ही लिया है। फिर तीसरे उसमें जो है सभी को व्हाट्सएप पे भेज देना है। चौथे इसमें 10-10 की सूची बनाना है, उन्हें संकल्प दे पाना है, शपथ दिलाना है, हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जैसे आज यदि हम शुरू करें तो आज 10 हो जाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल सही। 10 लोगों ने शपथ लिया है तो दूसरे दिन 100 हो गए। बिल्कुल सही। 100 लोगों ने शपथ लिया है तो तीसरे दिन 1000। हाँ बिल्कुल। 1000 लोगों ने शपथ लिया है तो चौथे दिन 10,000। जी बिल्कुल। 10,000 लोगों ने शपथ लिया है तो पांचवे दिन 1,00,000। बिल्कुल। 1,00,000 लोगों ने शपथ लिया है तो छठवें दिन 10,00,000। 10,00,000 लोगों ने शपथ लिया है तो सातवें दिन 1 करोड़। 1 करोड़ लोगों ने शपथ ली है तो हम 8वें दिन 10 करोड़, और 9वें दिन 100 करोड़ हो गए। जी अच्छा, इन 100 करोड़ में से 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तो 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनको ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो क्या इतने बड़ी उसके लिए 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन है? क्या कठिन तो नहीं है महाराज जी, लेकिन इन लोगों के अंदर इतनी जागरूकता, इतना जुनून। आप नहीं, ना जागरूकता, आप तो सिंपल एक प्रश्न पूछिए उनसे, कोई जागरूकता मत लाइए उनसे। जागरूकता के लिए उनको 21 महालक्ष्य 5 मौलिक अधिकार भेज दीजिए, लेकिन जागरूकता के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। जी जी बिल्कुल। आप क्या करना है आपको उनसे, आपको जो है उनको 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार की जो है ना कॉपी भेज दीजिए, और उनसे कहिए भैया अपने बच्चों को अच्छा भारत चाहते हो तो आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ संकल्प लेना है कि मुझे अच्छा भारत चाहिए। बताइए इससे सरल और कोई सत्यनारायण कथा से सरल कोई उपाय हो सकता है? सिर्फ ये संकल्प लेना हो कि हमें अच्छा भारत मिल जाए, और अच्छा भारत आपको मिल जाएगा। मतलब उसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है। सत्यनारायण कथा के जो हमने आपको 4 उपाय बताए हैं, बस इतना ही करना है। जी मतलब ना आपको अपनी सोच बदलना है, ना आपको अपना चिंतन बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है, और फिर भी आपको
महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, अच्छा भारत मिल जाएगा, जिसमें चार मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, रोजगार का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार और खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार। जी बताइए, कोई आपको खुशहाली का मौलिक अधिकार दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो ये हमारा मॉडल तो कह रहा है कि हम आपको खुशहाल कर देंगे, आप जो है ना कोई दुखी रहेगा ही नहीं। जी बिल्कुल। तो जो सत्यनारायण कथा वो इसलिए थी ना कि लोगों को दुख से बाहर लाया जाए, तो ये नए गुरु की सत्यनारायण कथा है, राइट? तो हमने जैसा आपको समझाया, हम मात्र 9 दिन में जब हम 100 करोड़ हो जाएंगे तब इन राजनेताओं से कहना है कि भाई साहब आपकी दिमाग को भी हम तकलीफ नहीं देंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत या चेयरमैन नेशनल अथॉरिटी फॉर नेशनल अधिकरण काय के लिए, क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के लिए, इसके बाद की पूरी कार्रवाई की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की होगी, राजनेताओं की नहीं होगी, ठीक है ना? मैथिली शरण गुप्त क्या करेंगे, उन्होंने मॉडल ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनाई हुई है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजों पे अपनी जिंदगी लगा दी है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं आप जैसे जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है, तो कुछ नहीं चाह रहे हैं बदले में। ऐसे लोगों को छांट के उन्हें उस अधिकरण का हिस्सा बना दिया जाएगा, उस टास्क फोर्स का हिस्सा बना दिया जाएगा। जी जी। जो मॉडल ऑलरेडी बने हैं उनसे चर्चा करके उसे डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक है ना? जी। उसके बाद जो है, जो एक रिफाइन होने के बाद ये लाइव चर्चा की जाएगी किससे, जो विषय के सब्जेक्ट एक्सपर्ट माने जाते हैं। जी जी। और ये भी 15 दिन तक लाइव चलेगा, एक आध दिन की बात नहीं, 15 दिन तक लाइव चलेगा। जी। और इस चरणिंग में जो सुझाव आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया के पहला सुझाव सुधार किया जाएगा, राइट? फिर जो है 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स पब्लिक से होगा। जी। और पब्लिक के जो सुझाव आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। जी। और फिर राजनेताओं से कहा जा रहा है सत्यनारायण कथा के तहत दुष्ट प्राणी जो सुझाव इस तरीके से प्राप्त होंगे उनका नियम कानून बना देना, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। क्या कहते हैं वो? कोई छोटी मोटी बात नहीं कह रहे, सत्यनारायण साहब तो तराप देते हैं ना। जी। वो कहते हैं मेरी बात नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे। जी जी बिल्कुल सही। जी। तो सत्यनारायण कथा का कहना ये है कि हे राजनेताओं, यदि तुम मेरी बात मान के जो छोटे से 2 काम है कर दोगे, तुम 240 से पार होकर 500 पार पहुंच जाओगे, तुम्हें सत्ता का सुख लाभ सुख मिलता रहेगा। लेकिन यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मेरे श्राप से तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है, मतलब बिल्कुल सही है, ब्राह्मण देवता बिल्कुल सही। मतलब वो जो है ये कह रहा है कि फिर मेरे श्राप से तुमको कोई बचा नहीं सकता है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? अब अर्जुन करिए कि दुष्ट राजनेता नहीं मानते हैं जी, तो सत्यनारायण कथा में उसका प्रावधान है जी। वो कह रहा है कि भाई जिन लोगों ने इस संख्या को 100 करोड़ तक पहुंचाया है, ऐसे 543 महारथियों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चंद्रगुप्त कहा जाएगा। और उनके घर पर सत्यनारायण कथा के प्रभाव से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा। जी। और जी। हम रोज जो है अपने छत पे 100 करोड़ लोग जो जुड़े हैं वो रोज संकल्प लेंगे अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाएंगे, और वो और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन पर बटन दबाकर अपने चंद्रगुप्त को विजयी बना देंगे। तो बताओ सभी 543 के 43 हमारे चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। अब आप मुझे बताओ सभी राजनेताओं का नष्ट हो जाएंगे, सब हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे, बिल्कुल हार, राइट? बिल्कुल। जो काम अपन इनसे कह रहे हैं वो हम खुद ही कर लेंगे।